नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। जनपद बलिया में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद सहित ग्रामीण इलाकों में ध्वजारोहण किया गया। वहीं देवस्थली विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पीसी श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं जनपद में अलग अलग तहसील क्षेत्र में युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। दिल में जोश और मन में उमंग लेकर युवाओं द्वारा 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवाओं के इस तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय से गूंज उठा। गर्व से भरे युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाचार रेडियो जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आज बलिया जनपद के देवस्थली विद्यापीठ में आज बलिया की कुछ हमारे साथ बेटियां हैं जो आज 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के सभी बेटियों को संदेश देना चाहती हैं। आइए हम बलिया के बेटियों से ही जानेंगे कि आखिर देश के बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देवस्थली विद्यापीठ के 61 एकड़ प्रांगण से। पिंटू सिंह, बलिया की रिपोर्ट। मैं शिल्पी यादव, क्लास 11 की छात्रा, आज देवस्थली के इस प्रांगण से हजारों बच्चियों के साथ सम्मिलित होकर 71वें गणतंत्र दिवस को मनाए हैं। इस गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे भाषणबाजी होती है, देश की चिंताएं होती हैं, नेताओं पर टिप्पणियां होती हैं, लेकिन हम ये भूलते हैं कि इस देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। सत्ता के हाथ में देश को सौंप देने से सत्ताधारी पक्षों के लिए ये देश बिकता नहीं है। इस देश में आने वाले भविष्य के हम नेता हैं, हम ऑफिसर्स हैं, सब कुछ हम हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम दूसरों को ही हमेशा क्यों टिप्पणी करते हैं, क्यों ये कहते हैं कि हमारा मुकाम, हमारा मुल्क उनके वजह से बदनाम या बर्बाद हो रहा है। हम क्यों नहीं भूलते हैं, क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि इस मुल्क के हम भी एक प्राणी है। इसी पे मैं आप सभी के लिए संदेश के रूप में एक शायरी प्रस्तुत करती हूँ। इनके लिए मैं किसी एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को ब्लेम नहीं करना चाहती, इसके लिए यह पूरा देश, इस देश के सभी देशवासी जिम्मेदार हैं। गगन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गगन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, मानो ना मानो मैं सही कह रही हूँ, आज गद्दारों के हाथों वतन बिक रहा है। जय हिंद, जय भारत। हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं, बचपन में अक्सर अपना हम शौर्य समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, और शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने, और इतिहास बदल के दिखा दिया अपने चाचा कलाम ने। अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दिस इज श्रेया फ्रॉम देवस्थली विद्यापीठ एंड आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 71st रिपब्लिक डे। टुडे वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स टाइम 2 years 11 months and 18 days, मगर आज हम में से किसी को फुर्सत कहाँ व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा। हम सभी यहाँ रिपब्लिक डे मनाने आए हैं। हमेशा की तरह हमारे भी स्कूल में आज तिरंगा झंडा लहराया गया है, कुछ फूल मालाएं नीचे गिरी हैं, लास्ट में मिठाइयाँ बटेंगी, हम खाएंगे, अपने घर जाएंगे, फिर से बिस्तर में बैठकर व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू पूरी दुनिया में क्रांति ला देंगे और इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर आस्क दैट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, जस्ट आस्क दैट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। We Indians may be different in the outwardly way, but our aspirations are always the same. Our life is full of colors. I hope this 26th of January adds more colors to your life. A very happy Republic Day. With this, this is me, Sana Parveen, a student of Devastili Vidyapeeth, and I wanted to give a short message to the girls of our country. Aao jhuk ke salaam karein unko jinke hisse mein ye mukaam aata hai. आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो देश के काम आता है। थैंक यू सो मच।